हाय एवरीवन, आज हम आपको स्ट्रॉबेरी जैम बनाना सिखाएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी है। तो चलिए, सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है स्ट्रॉबेरी, जो हमने डीरा का यूज़ किया है, फ्रूट प्यूरी। आप चाहें तो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज भी यूज़ कर सकते हैं प्यूरी बना के। तो एक पैन लेना है और उसमें हमको प्यूरी डालना है स्ट्रॉबेरी का। ये फ्रोजन प्यूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है, तो आप स्ट्रॉबेरीज ले लीजिए और उसको अच्छे से ग्राइंड करिए और उसके बाद उसको प्यूरी को इसमें डाल दीजिए। जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो हमारा कैस्टर शुगर। आप चाहें तो ग्रेन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एम ये है कि इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको शुगर को कुक तब तक करना है जब तक शुगर डिज़ोल्व नहीं हो जाती। इसकी कंसिस्टेंसी मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो जैम है वो कैसा रेडी होगा। तो देखिए, बॉयल ऑलमोस्ट आ गया है तो हम इसमें पेक्टिन ऐड कर देंगे। पेक्टिन क्या होता है? बेसिकली एक टाइप का थिकनिंग एजेंट होता है जो हमारे प्यूरीज होते हैं इनको थिक करने का काम करता है। बट इसका ये एक्टिव तभी होता है ऑलमोस्ट 105 डिग्री तक। अगर आप उस इंग्रेडिएंट को या उस प्यूरी को लेके जाएंगे तो ये कम्प्लीटली अपना एक्शन में आ जाता है। इनिशियल स्टेज पे 65 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होता है। तो ऑलमोस्ट देखिए, हमारा मिक्स जो है वो थिक हो गया है पेक्टिन डालने के बाद। और ये अब हम गैस को जो है वो ऑफ कर देंगे और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग इसको कम से कम 8 घंटे तक वेट करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो पाए। और आपको चाहें तो इसको एक बाउल में फिल करके भी रख सकते हैं। और लेटर ऑन देखिए, हमने क्लीन रैप लगाया हुआ है ताकि ऊपर एक लेयर न जमे ड्राइनेस की। और 8 घंटे बाद देखिए, हम इसको निकाल के देखते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट जैम की कंसिस्टेंसी वाला प्रोडक्ट रेडी हो गया है। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, आप एयर टाइट बॉक्स में भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।